सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि निफ्टी 50 में आज के दिन भी थोड़ा सा मार्केट अप गया था, उसके बाद 0.26% की तेजी देखने को मिली। लेकिन अगर आप नोट करोगे तो मार्केट इस जोन में कर रहा है कंसोलिडेट। गाइस, ये जो पैटर्न बनता है ना, इसको हम कंसोलिडेट बोलते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, इट मीन्स आप कह सकते हो, देखिए बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अभी आने वाले कुछ टाइम तक, जब तक बजट आने वाला है उस तक तो मार्केट 25,000 से लेकर 26,000 तक जा सकता है आने वाले कुछ 2-3 महीने के अंदर। तो गाइज, एंड एक चीज़ और अगर मैं दिखाऊँ तो पिछले एक साल के अंदर खाली इंडाइसिस ने ही 25% तक का रिटर्न बनाकर दिया है। और अगर आप देखोगे ना तो इसने अपने मतलब नियर अबाउट जो 52 वीक हाई बनाया था 23,481 का, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है 23,469 का आज का इसने हाई बनाया, एंड देन हमें उसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ ये नज़र आ रहा है। तो गाइज, जिस तरीके से हमारी मार्केट चल रही है, तो कुछ प्रॉमिसेस भी जैसे कि इन लोगों ने किए थे एंड कहा था कि सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो आज हम उन्हीं कुछ टॉप ट्रेंडिंग सेक्टर्स के ऊपर वीडियो में लेकर आई हूँ। तो गाइज, देखिए हमें क्या नोटिस करना चाहिए, हमें ये नोटिस करना चाहिए कि कौन सा सेक्टर जल्दी बूम करने वाला है, और अगर उसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है तो उससे रिलेटेड कंपनियाँ कौन सी ऐसी हैं जो जल्दी रिटर्न बनाकर दे सकती हैं, और दूसरा अपने फंडामेंटल और चार्ट के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चल रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमें नोटिस करके चलनी होती है। तो गाइज, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा तो डिफेंस सेक्टर ही आता है। डिफेंस सेक्टर की गाइज एक दिग्गज कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड डिफेंस सेक्टर गाइज वाकई में अपना 2030 तक काफ़ी ऊपर तक चला जाएगा। मतलब इसका आप कैपेक्स आप सोचोगे तो आप बहुत डबल टू ट्रिपल, मतलब 10 गुना या 100 गुना आप कह सकते हो बढ़ चुका होगा। ठीक है गाइस, वही अगर बात की जाए डिफेंस सेक्टर की, सबसे अच्छी कंपनी है जो कि मुझे लगती है सिका एंटरप्लांट। सिका एंटरप्लांट की बात करूँ तो गाइस ये एरोस्पेस की बहुत ही अच्छी फंटेस्टिक ग्रोथ वाली कंपनी है, एंड लाइक अभी तो आज के दिन इसके अंदर 5% का अपर सेक्टर लग गया है, 3,070 रुपीज़ पर ट्रेड करिए। प्रीवियस इसका क्लोजिंग था 29,124 का। गाइस अगर आप देखोगे तो हाई भी इसने 3,070 तक का ही बनाया है, एंड उसके आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। गाइस बता दूँ, मैक्सिमम में इसने आपको 31,000% तक का रिटर्न दिया, 9 रुपये के प्राइस पे 2003 में लिस्टेड हुई थी, एंड पिछले 5 साल के अंदर अगर आप देखोगे तो 1482% का ये रिटर्न दे चुकी है। साथ ही साथ गाइस, आज इसका 52 वीक हाई भी इसने एक न्यू क्रिएट करा है, और इसका 52 वीक लो 580 देखने को मिलता है। गाइस अगर आप ध्यान दोगे तो थोड़े टाइम तक इसके अंदर का कुछ भी मूवमेंट नहीं था, 2021 से आप कह लो 2021-22 के अंदर इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं था। जो भी मूवमेंट आया है 2022 के बाद से या 23 के अंदर ही हमें देखने को मिला है। गाइस अगर बात करें ना कंपनी की, तो कंपनी जैसे कि मैंने आपको बताया ये एरोस्पेस के अंदर, डिफेंस स्पेस एंड ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर काम करती है। ठीक है, और साथ के साथ अगर आप इसका काम देखोगे, जो कि मेन क्या है वो है लैंडिंग गियर का। गाइस जो कि इसका मेंटेनेंस रिपेयर वाला बहुत एक आप कह लो इम्पॉर्टेंट नज़र में रखने वाला काम है, क्योंकि जब कोई प्लेन लैंड होता है देन उसकी मेंटेनेंस हमेशा देखी जाती है, और गियरिंग लैंडिंग वाला तो लाइक गियर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि कंपनी लगाने का काम करती है। ठीक है, ये कंपनी आप कह सकते हो लैंडिंग गियर्स पार्ट के अंदर जो कि प्लेन्स के अंदर लगाती है, और हाइड्रोलिक एक्यूटर्स के अंदर ये काम करती है। ये हेलीकॉप्टर्स हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, उन सब के अंदर ये लैंडिंग गियर्स लगाती है, क्योंकि जब लैंड होती है तो आपको पता है गियर्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के ऊपर ही काम करती है आप ये कह सकते हो। यस, अगर इसमें आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो FIs धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, इसके अंदर पब्लिक की हल्की सी ट्रिम हुई है तो आप कह सकते हो FI आ गए हैं, एंड देन प्रमोटर की होल्डिंग एज इट इज़ बनी हुई, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। नहीं, वहीं बात करते हैं इसके रिवेन्यू की, तो आप देख सकते हो कि इसका रिवेन्यू का ग्रोथ कितना अच्छा एकदम से तगड़ा बढ़ा है, जो 2023 में कम हुआ था देन उसके बाद इस दर यहाँ पर काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली है। गाइस वहीं मैं बात करूँ अगर इसके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में भी अगर हम नोट करोगे तो काफ़ी एक अच्छी जंप है, जिसमें भी है 8 करोड़ से सीधा 9 करोड़ पे 19 करोड़ पे गया प्रॉफिट। एंड अगर कंपनी के कर्ज की बात की जाए तो 2020 में कंपनी पे कर्जा था जो कि अब बिल्कुल ही माइनस में हो गया है। मतलब कह सकते हो सिका एंटरप्लांट एक तरीके की डेब्ट फ्री कंपनी है।
ठीक है गाइस, वही अगर बात करें नेक्स्ट सेक्टर की जो कि मेरी नज़र में ऑटो सेक्टर निकल रहा था गाइस, मैं आपको पहले सिका इंटरप्लान के बारे में बता दूं कि आपको जब भी इसमें एंट्री लेनी है तो 2000 से लेकर 2600 तक का बीच का टारगेट आप रखिएगा एंट्री के लिए। जैसे ही करेक्शन आता है तो आप इसमें एंट्री लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारा ऑटो सेक्टर, गाइस ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है एंड आने वाले टाइम में बिल्कुल ही मालामाल भी कर सकता है। और हमारा जो ऑटो है, जो हमारा इंडिया है, वो वर्ल्ड का आप कह सकते हो थर्ड नंबर पे एक ऑटो सेक्टर के अंदर है, ठीक है। एंड जैसे कि गाइस मैं बता दूँ, दुनिया की डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई कम है ऑटो सेक्टर के अंदर। अब तो वैसे ही हमारा इंडिया बिल्कुल रेडी है एक हब बनने के लिए। हमारी एक ये कंपनी निकल कर आती है जो कि है टालब्रोस। गाइस ऐसी हमारी टालब्रोस ऑटोमोटिव है। टालब्रोस गाइस बिल्कुल ही ओनो मिंडा की तरह ही कॉपी वाला काम कर, मतलब कॉपी ही है आप ये कह सकते हो। एंड ये भी बिल्कुल उसी की तरह सेफ गेम खेल रही है, जिसकी ओनो मिंडा ने ईवी के अंदर पैसा नहीं लगाया है। जो उसको प्रॉफिट होता है वो उसे ही गेन करके ईवी के अंदर सेक्टर के अंदर पैसे लगाया जा रहा है। तो ऐसे ही टालब्रोस भी काम कर रही है। गाइस मेन देखा जाता है कि जो इसका वर्क है गास्केट और क्या कहते हैं, नॉर्मली गास्केट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसका रिवेन्यू भी गास्केट से कम 50% का मतलब लाइक आप कह सकते हो 50% की गास्केट की मार्केट शेयर है। एंड इसको गास्केट से 64% का रिवेन्यू जनरेट होता है और बाकी फोर्जिंग से इसको जनरेट होता है रिवेन्यू। गैस अगर मैं टालब्रोस की बात करूँ तो मैक्सिमम इसने 2400% तक का रिटर्न दिया है, 314 रुपये पे देखने को मिली सॉरी। एंड 52 विकाई 351 है और लो 130 रुपये पे देखने को मिलता है। गैस अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो इसका मार्केट कैप 1000 करोड़ का, देन आप ये कह सकते हो जब भी 10000 करोड़ की बनने जाएगी तो इसका प्राइस भी कितना हाई हो चुका होगा। गैस आपको पता है इंडिया के साथ साथ ये इंटरनेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना पैर जमा रही है। एंड आपको बता दूँ कि टालब्रोस जैसे कि लाइक आप ये कह सकते हो 5 साल में इसने 792% का रिटर्न दिया और इस बीच इसमें कुछ भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, एक कंसोलिडेशन जोन में था। देन उसके बाद 2022 के बाद ही इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिला ऑटो सेक्टर के अंदर। गाइस टालब्रोस में अगर 1 साल के अंदर भी देखोगे तो उसने 120% का रिटर्न दिया और ये जो एक जोन था ये भी एक जोन वही बना हुआ था जो मैंने आपको बताया कि बीच बीच में मार्केट में डिप्स एंड करेक्शन भी आते हैं। साथ के गाइस आपको टालब्रोस की साइट पर ले जाऊँ तो आप देख सकते हो टालब्रोस का, इसमें इसके कस्टमर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। और साथ के साथ आप देख सकते हो कि इसमें कस्टमर्स इसके नियर अबाउट हमें इसके तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 9 देखने को मिलते हैं, पार्टनर वर्ल्ड वाइड 120 देखने को मिलते हैं। गाइस बहुत सी चीज़ें हैं जो ये काम करती है, ये ऐसे पार्ट ये सब चीज़ें बनाती है पार्ट से रिलेटेड, ठीक है। साथ के साथ गाइस हमें इनके क्लाइंट जो कि अशोक लेलैंड हो गया, वोल्वो हो गया, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट अडानी से अडानी की कंपनी, मतलब बहुत सारी कंपनीज आपको इसके क्लाइंट देखने को मिल सकते हैं अगर आप जाकर चेक करोगे तो साइट पे, ठीक है। आप इसके साइट पे जाकर इसके क्लाइंट्स देख सकते हो, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। एंड साथ अगर मैं इसका प्रमोटर होल्डिंग बताऊँ तो काफ़ी डिसेंट प्रमोटर होल्डिंग है FII की होल्डिंग। अब FII को पता लग रहा है तो गाइस वो आ रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, हाँ DII हल्के से ट्रिम हुआ है एंड इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है। गैस अगर ग्रोथ देखोगे ना तो ये एक ग्रोथ होती है, एक चार्ट पैटर्न था सीधा, काफ़ी अच्छा इसने रिवेन्यू जनरेट किया। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी आप देखो सीधा 43 से 93 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट किया। गैस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे ऑटो इंडस्ट्री में ऐसी कुछ कंपनी, एक ऐसी कंपनी ढूंढना जो आपको कम समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती हैं। तो गैस इसमें अभी मूवमेंट तो था नहीं, लेकिन अभी इसमें मूवमेंट आने वाला है तो उस पर डेफिनेटली इस पर होल्ड करके चलेगा। गैस वहीं देखिए बैंकिंग सेक्टर भी हमारा काफ़ी अच्छा ग्रोथ करने वाला है और बैंकिंग सेक्टर हमारा मजबूत होगा, कहते हैं हमारा अगर इंडिया ग्रोथ करेगा तो उसके लिए हमारे बैंकिंग सेक्टर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो गाइज ऐसे हमारा एक स्टॉक है जो कि बैंकिंग सेक्टर से ही रिलेटेड है। एंड गाइज मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बैंकिंग सेक्टर आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे सकता है, क्योंकि बैंकिंग अब आपको पता है बैंकिंग अब एक पैसा ही है जो पैसे से ही पैसा कमाता है, उसके पास कोई प्रोडक्ट तो है नहीं जो उसको बेच सको, वो पैसा लोगों का लेता है उसको इन्वेस्ट करता है फिर उसी को उसको डबल करके देता है, मतलब इस तरीके से बैंक जो काम करता है, ठीक है। और हमारी RBI भी बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज निकाल रही है तो
वो उन सारी धांधलीबाजी वाले बैंकों को हटा देगी और जो अच्छे बैंक हैं, जो अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उन्हीं वही बैंक आपको देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर। उसी में जगह से हमें मुझे काफ़ी अच्छा बैंक जो लगता है उत्कर्ष स्मॉल बैंक है, जो कि फंडामेंटली एंड चार्ट के अकॉर्डिंगली जैसा बोला जाए तो काफ़ी अच्छा बैंक देखने को लगता है। एंड आज के दिन इसमें 0.13% की तेजी चल रही है, 53.91 पे चल रहा है। गैस मार्केट का 5,000 करोड़ का 50,000 करोड़ रुपये बनेगा, तो आप सोच नहीं सकते इसका कितना प्राइस हाई हो चुका होगा और पी इसका काफ़ी अच्छे पॉइंट पे मिल रहा है। गैस अगर आप देखोगे मैक्सिमम अपने आईपीओ प्राइस से आप जस्ट थोड़ा सा डबल है, एंड अपने लिस्टिंग प्राइस से आप कह सकते हो हार्डली 112% का इसने रिटर्न दिया है। ठीक है गैस, देखिए अगर बात करें उत्कर्ष बैंक के बारे में, तो उत्कर्ष बैंक लिटरली जिसने अपने एनपीए बहुत ज़्यादा कम करे हैं। ठीक है, एनपीए में एनपीए कम कर लिए हैं और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी नजर रही। देखिए एफआईआर है, मेन तो एफआईआर है ना, एफआईआर है एंड डीआई की होल्डिंग आप देख सकते हो, इसमें पब्लिक की होल्डिंग भी बड़ी है और हल्की सी आप कह प्रमोटर एंड ट्रिम करी तो इन सब लोगों ने इसमें एंट्री करी है। गाइस अगर हम इसकी देखोगे 2023 से और अब तक इसने रिवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट करा है, प्रॉफिट में भी सीधा 404 से 498 की ग्रोथ देखने को मिली। एंड आप देख सकते हो उसको माइक्रो बैंकिंग से 62% का रिवेन्यू जनरेट होता है, होलसेल लैंडिंग से 10% का, अदर डिटेल्स लोन ये सब काम करता है। ये ODF में भी है, CV लोन्स के अंदर भी है, ये सारे इसके सेविंग्स सब चीज़ों में है और 28% इसको अदर डिटेल से प्राप्त होता है। गाइस अगर मोर आपको उसके अंदर अपना मतलब अपना ट्रस्ट बनाना है तो आप देख सकते हो क्रेडिट ग्रोथ कितनी अच्छी देखने को मिली, उल्टा NPS का 0.03 हो गया है, प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर बुक क्लोज्ड आप देख सकते हो, उसकी माइक्रो बैंकिंग पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हैं एंड हाईएस्ट एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप चेक कर सकते हो। सो गाइज मेरे लिए तो फंडामेंटली काफ़ी अच्छा स्टॉक देखने को मिला, बाकी आपको क्या लगता है वो थोड़ा सा आप स्टडी कर लिए। चलो एक और सेक्टर निकल कहता है FMCG, क्या तो कहा जाता है कि FMCG सेक्टर में काफ़ी टाइम तो कंसोलिडेशन में है लेकिन अब उसके अंदर आने वाला है ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के लिए मुझे सबसे अच्छी कंपनी लगी है वो हिंदुस्तान फूड है। हिंदुस्तान फूड में 1.83% के आज के दिन गिरावट देखने को मिली है, 505 रुपये का स्टॉक प्राइस चल रहा है। गाइस 5,000 करोड़ की कंपनी है, पी इसका 61 है। एंड अगर मैं बताऊं आपको मैक्सिमम इसने मतलब 2019 में आई थी और अभी तक 540% का ही रिटर्न दिया है एंड काफ़ी टाइम से अगर आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन जोन में ही घूम रही है, देन अब उसके बाद इसके अंदर एक ब्रेकआउट होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। एक साल में कम से कम ये स्टॉक 7% तक गिरा और एक साल में आप एक चीज़ चेक करोगे कि इसके अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं देखने को मिला है। गाइस अगर वहीं अगर बात करें इसकी लाइक आप कह लीजिए हाई की, तो 52 वीक हाई इसका 629 और लो इसका 467 देखने को मिलता है। गैस मेरे हिसाब से तो मुझे हिंदुस्तान फूड काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, डिसेंट है, आप ये देख सकते हो। एंड कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए मैन्युफैक्चरिंग वेरियस प्रोडक्ट्स बनाती है, होम केयर, पर्सनल केयर, बेवरेजेस से रिलेटेड काम करती है एंड बहुत बड़े बड़े क्लाइंट इससे रिलेटेड हैं, आप गोदरेज बोल सकते हो, बहुत सारी कंपनीज हैं अगर आप चेक करके चलो तो। आप इसमें सेल्स ग्रोथ देखो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, अगर इसका रिवेन्यू भी देखोगे प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट भी एकदम से काफ़ी अच्छा। गाइस ये जो पैटर्न होता है ना तो वो आगे चल के आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को ही मिलती है। एंड अगर कंपनी की डेप्थ की बात की जाए तो वो कम हुए हैं जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो गाइस हिंदुस्तान फूड FMCG सेक्टर का काफ़ी अच्छा स्टॉक है, तो आप इस चार सेक्टरों को थोड़ा सा डा लेवल पे लेकर चलो, इन चार सेक्टरों में आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है इन चार कंपनियों के अंदर। बाकी गाइस मैं आपको यही कहूँगी खुद से स्टडी करके चेक करके इन्वेस्ट करके चलिएगा, चैनल पर नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।